शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है मोहतरम नाजरीन एलोवेरा का जूस पीने से कब्ज़ दूर होती है खाली पेट संतरे का जूस पीने से वज़न कम होता है हरी मिर्च फिपड़ों के कैंसर से बचाती है उबला हुआ अंडा खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है रात का खाना जल्दी खाने से वज़न कंट्रोल में रहता है भिंडी खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है बैंगन खाने से दिमाग तेज़ होता है लौंग वाली चाय पीने से उटापा काम होता है। खाली पेट बादाम खाने से बाल लंबे हो जाते हैं मिश्री का टुकड़ा चूसने से थकन दूर होती है चुकंदर का जूस पीने से चेहरे की जुड़ियां खत्म होती हैं केला खाने से गले की खराश दूर हो जाती है शैतूत का जूस पीने से बालों की सफेदी दूर हो जाती है कच्चा आम खाने से पेट दर्द में आराम मिलता है बादाम के तेल से डार्क सर्कल को ख़त्म किया जा सकता है खाने के साथ कच्ची हरी मिर्च खाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं जिसे कैंसर के मर्ज हो इसकी नाक में देसी घी के चंद कतरे डाला करो खरबूजा खाने से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है बड़ी इलायची चबा कर पानी पीने से पेट का किसी किस्म का दर्द भी हो खत्म हो जाता है इमली का इस्तेमाल करने से खून की कमी दूर होती है रात में केवी का फल खाने से नींद अच्छी आती है अंडा कद बढ़ाने में काफ़ी फायदेमंद है पनीर खाने से यादाश्त तेज होती है टमाटर खाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं संतरा खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है इन्फेक्शन को रोकने में मदद करते हैं सफ़ेद तिल का इस्तेमाल बालों को चमकदार और मजबूत बनाता है बासी रोटी खाने से शुगर लेवल कंट्रोल पर रहता है पकी हुई खजूर खाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं चकंदर छिलके समेत खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है जिनका दिल कमज़ोर हो बादाम की गिरियाँ छिलके समेत खाएँ

पैरों के तलवों पर वैक्स लगाकर सोने से छाती की बलगम दूर होती है साबुन की बजाय बेसन से चेहरा धोने से स्किन का कालापन दूर हो जाता है अदरक की चटनी खाने से भूख ना लगने की बीमारी दूर होती है ज्यादा टेंशन लेने से बाल झड़ने लगते हैं आलू काटकर चेहरे पर फेरने से दाग दब्बे दूर हो जाते हैं रोजाना इस गोल का छिलका खाने से जिंदगी भर मेदी की बीमारी नहीं लगेगी खाली पेट रोजाना नहाने से कभी आपके करीब बढ़ापा नहीं आ सकता कच्चा दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं ज्यादा एक ही करवट की जाने लेट कर सोने से कमर की तकलीफ हो सकती है। शैम्पू वाले पानी से घर के फर्श धोने से फरश बेहतरीन चमक जाता है बेरी के पत्ते पीसकर इनका पेस्ट बना लो बालों में लगाने से बाल घने काले और लंबे हो जाते हैं चेहरे की इशाइया दूर करनी है तो जायफल को पानी में रगड़कर चेहरे पर लगाओ नाश्ता ना करने वाले लोगों में दर्द बहुत आम चीज है जो कि शुगर लेवल कम होने की वजह से होता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है जो का दलिया बनाकर खाने से दिमाग की कमजोरी दूर होती है पेशाब करते वक्त जलन होती है तो कद्दू का कसरत से इस्तेमाल करें रोजाना अच्छी तरह वजू करने से आपकी उम्र में इजाफा होगा नीम गर्म दूध में रोगन बादाम शामिल करके पीने से कमजोरी दूर हो जाती है चेहरे की रंगत पीली पड़ने लगे तो ये जिगर की बीमारी की अलामत है सुबह नमाज फजर के बाद कब्ज की शिकायत रहती है नहाते वक्त पेशाब आ जाए तो ये मैदा कमजोर होने की अलामत है शुगर के मरीजों के लिए काजू खाना बेहद फायदेमंद है और शुगर को बढ़ने से रोकता है कच्चा प्याज इस्तेमाल करने से पेट के कीड़े मर जाते हैं चावलों का पानी बालों में लगाने से बाल सफ़ेद होने से बचे रहते हैं और नरमो मुलायम रहते हैं जो नहार्मो ठंडा पानी पीता है इसको हार्ट अटैक का खदशा हो सकता है गला बैठ जाए गले में खराश आने लगे तो गुड़ वाले चावल खाएं बुने हुए चने खाने वाले से वजन कम होगा चेहरे के दानों पर शहर लगाने से दाने दो दिन में खत्म हो जाते हैं सोने से कबल आंखों के नीचे नींबू का छिलका रगड़ लो बनाई तेज हो जाएगी चेहरे पर जुरिया आने लगे तो चेहरे को लहसन वाले पानी से धो लें चेहरे की जुड़िया कम हो जाएंगी शकरगंडी को अबाल कर खाओ और दांतों पर रगड़ लो दांत चमकदार हो जाएंगी नहार खीरा खाने से पेट की चर्बी पिघलती है सुरख रंग के फल का रस पीने से कैंसर की बीमारी नहीं होती जो हाथ धोए बगैर खाना खाते हैं इनका जहन कमजोर होता है सबज धनिया का राग छालों पर लगा लो छाले खत्म हो जाएंगे अनार के छिलके को उबाल कर इनकी चाय बनाकर पीने से जकाम फौरी ख़त्म हो जाएगा हर वक्त द्रुव शरीफ का वेद करते रहना हर परेशानी से निजात का जरिया है नहाने के बाद एक गिलास पानी पी लिया करो दिल के अमराज से बचे रहेंगे बंद कमरे में रहने की आदत इंसान को वहम की बीमारी में मुबतला कर देती है टांगों में दर्द का होना पानी की कमी की वजह से भी हो सकता है इसलिए हमेशा पानी कसरत से इस्तेमाल किया करो प्याज के इस्तेमाल से खून पतला रहता है सुबह नाश्ते से कबल एक सेब खा लेने से दिमागी कमजोरी दूर होगी मेदे की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी चेहरा चमकदार नजर आएगा और बढ़ापा जल्दी नहीं आएगा सीने के जलन और तजाबियत के लिए धनिया और पुदीने को रगड़ लो इसके बाद गुड़ वाली शकंजवी बनाओ और इसमें एक चम्मच धनिया और पुदीना रगड़ा हुआ डाल दें और इसको मिक्स करके यशकंजवी एक गिलास सुबह दोपहर शाम पी लो जिस सीने की जलन और तजाबियत का बेहतरीन इलाज है आलूबारा चेहरे की खूबसूरती के लिए मुफीद है बुने हुए चनों पर सूरत फलक और सूरतुलनाश तीन तीन बार पढ़कर दम करें और इस्तेमाल कर लें जे जकाम का शाफी इलाज है आंखों पर नीम गर्म दूध का मसाज करने से नज़र तेज होती है और नींद पुरसकून आती है चावल इस्तेमाल करने से नींद कम आती है चावल दोबारा गर्म करके मत खाएं जिस्मानी बीमारी आती है सब्ज मिर्च खाने से नज़र तेज हो जाती है बारिश के मौसम में इंसान बाजरे की रोटी खाए बीमारियों से महफूज रहेगा खारिश वाली जगह पर कपड़ों वाला नील लगा दो खारिश खत्म हो जाएगी कान के अंदर बारिश का पानी का एक तरह डालने से सुनने की तेज हो जाती है ज्यादा गाने सुनने से दिमाग कमजोर होता है तेज पत्ती वाली चाय पीने से गुर्दे जल्दी खराब हो जाते हैं प्याज का रस चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग और दब्बे दूर हो जाते हैं कंगे पर दूध लगाकर बालों में कंघे करने से बाल नरम हो जाते हैं पटो में दर्द की प्रॉब्लम हो तो अदरक का रस निकाल कर पी जाओ एलोवेरा का हलवा बनाकर खाने से जोड़ों के दर्द की शिकायत दूर हो जाती है हर हफ्ते अपनी कंगी की सफाई कर लिया करो जो लोग ज्यादा खाते हैं इनको बीमारी लब हो जाती है एक अनार खाने से चालीस दिन तक दिल को फायदा पहुंचता है जो अफराध बिस्तर जाड़ कर सोते हैं इनको बहुत अच्छे ख्वाब आते हैं जो औरतें बारीक दुपट्टा पहनती हैं इनके बाल ज्यादा गिरते हैं हाई ब्लड प्रेशर के मरीज अफराद को ज्यादातर हल्के रंग के कपड़े इस्तेमाल करने चाहिए जिस औरत की रोज़ाना तारीफ़ की जाए वो हमेशा जवान रहती है खट्टी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने से पट्टे और जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं नज़र कमज़ोर हो रही है तो पिस्ता खाया करो कच्ची रोटी मेदे में जख्म पैदा कर देती है जिस घर में मियाँ बीवी की लड़ाई रहती है वहाँ हमेशा रिजक की तंगी रहती है अगर दाएं बाजू में दर्द हो तो ये जिगर के कमज़ोर होने की अलामत है लोबिया खाने से नज़र तेज हो जाती है मुर्गी के पंजों की जखनी पीने से पट्ठे और जोड़ मजबूत होते हैं नाखनों का रंग पीला पड़ने लगे तो ये जरकान होने की अलामत है एक चुटकी काला नमक और जाना खाने से दिल मजबूत हो जाता है दोपहर के खाने के बाद बाएँ जानब लेट कर आराम करना चाहिए अंगूर बुखार की शिद्दत को तोड़ता है अंगूर का रस पीने से लकोरिया ख़त्म हो जाता है उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की मालूमती वीडियो आप तक तो पहुँचती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें दुआ में याद रखेगा शुक्रिया